इस समय सरपंचों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, अपने हित के लिए नहीं होकर जनता के हित में किया जा रहा है। इसमें प्रमुख मांगे निम्न प्रकार है। राजस्थान व केंद्र सरकार ने विगत 1 से 2 साल से ग्रामीण विकास का पैसा रोका हुआ है। इसके कारण लंबे समय से गाँव का विकास ठप पड़ा हुआ है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास की नई स्वीकृतियाँ जारी नहीं की गई है। राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा में करीब 10 लाख लोगों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने की घोषणा की थी। इसके लिए पोर्टल खोलकर लोगों के आवेदन लिए गए थे, मगर अभी तक पात्र लोगों की खाद्य सुरक्षा चालू नहीं की है। नरेगा योजना में रोज नए नए प्रयोग कर रहे हैं और एक पंचायत में केवल 20 काम ही स्वीकृत होंगे। ये पाबंदी लगा दी गई है, इस कारण ज्यादातर लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं करवाया जा पा रहा है। राजस्थान के सरपंच लंबे समय से आंदोलनरत हैं और कई बार अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। समय समय पर सरकार से वार्ता हुई है, कुछ मुद्दे हल भी हुए हैं, मगर जो मेन मुद्दे है अभी भी बाकी है। हमने नरेगा का काम, जो मूलभूत सुविधाएं देने का था, उसको सरकार ने एक तरह से बंद कर दिया है। प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत नहीं हो रहे हैं, एसएफसी एफएफसी का पैसा रुका हुआ पड़ा है। तो सरकार जो गांव के लिए विकास का सपना सोचती है, वो एक तरह से मेरे हिसाब से बंद है। हम सरकार से मांग करते हैं कि जो भी हमारी जायज मांगे हैं, जो गांव और गरीब से जुड़ी हुई मांगे हैं, उनको शीघ्र पूरा करें। हमने कई दौर की वार्ताएं की है, मगर लगता है कि इनको सरकार को चलाने वाले जो ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, वो गलत फीडबैक दे रहे हैं। धरातल पे कुछ और है, यहाँ कुछ और दिखता है। तो मेरी गहलोत साहब से यही मांग है कि वो सरपंचों की समस्याओं का समाधान करें, और जो सरपंच सड़कों पे अभी आंदोलन कर रहे हैं, वो अपने गांव में जाके विकास करा सके और आपकी योजनाओं का प्रचार प्रसार कर सके। मैं रफीक पठान, मुख्य प्रवक्ता, सरपंच राजस्थान। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।